अब इस मुकाबले के ऊपर नजर होंगी सबकी। जी हाँ, ये चौथी बाउट है और 69 किलो वर्ग वुमेन्स कैटेगरी का गीतिका जाकर और नवजोत कौर के बीच में, और ये अहम मुकाबला रहेगा क्योंकि बेंगलुरु योद्धा चाहेगी कि बराबरी कर ले, दो दो पे आ जाए। मलिका शरावत यहाँ पे भी मौजूद है, जरूर प्रोत्साहन होगा उनकी टीम को भी। काटोला फायर बहुत है जैसे आग से निकले शोला, लस्सी का शौकीन है पीवे ना, बॉडी शॉटी तगड़ी है पर मन का है ये भोला। प्लीज वेलकम नवजोत कौर। इस कैटेगरी में विमेन्स 69 किलोग्राम कैटेगरी गीतिका झाखड़ हरियाणा हैमर्स की तरफ से और बेंगलुरु योद्धास की तरफ से नवजोत कौर 25 वर्षीय रेसलर, देखना यह होगा कि कौन आगे बढ़ेगा, हरियाणा हैमर्स लीड एक्सटेंड करेंगे या फिर बेंगलुरु योद्धा दो दो कर पाएंगे। या अनुभव दोनों के पास है और कहीं ना कहीं जगदीश बहुत अहम रहेगा कैसे आप शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर अनुभव की बात करें तो गीतिका झाखड़ 2003 से लगातार मेडल जीत रही है इंटरनेशनल लेवल पे, लंबा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव इनके पास सीनियर लेवल का। वहीं अगर नवजोत की बात करें तो पिछले 4-5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है। अब यहाँ पे देखना है कि नए और पुराने में कौन जीतता है। अभी ऐसा लग रहा है जो शुरुआत की है, जो आर्म कंट्रोल टैक्टिक्स है उसका यहाँ पे निष्पादन करते हुए थोड़ा वक्त ले रहे हैं, देख रहे हैं और लगभग 40 सेकंड निकल चुके हैं। कुछ एक्शन होना शुरू हो रहा है, पहले कुछ सेकंड्स में अजय लगता है कि दोनों ही रेसलर्स एक दूसरे को नापते हैं, देखते हैं किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस तरह की तकनीक लगाए, किस तरह से अटैक करे। लेकिन याद रखिए नवजोत कौर पहले मैच में ब्लॉक थी यूपी के खिलाफ, फिर उसके बाद उन्होंने उनको हार मिली थी मुंबई गरुड़ के खिलाफ, तो इतना कुछ इम्प्रेसिव नहीं कर पाई है अभी तक जगदीश इस मुकाबले में। बिल्कुल, अगर गीतिका झाखड़ की बात करें तो उन्होंने निक्की को हराया था, बहुत ही शानदार जीत थी और यहाँ पर इस समय दोनों के बीच जोर अजमाइश चलती हुई, हालांकि अभी तक किसी ने भी अटैक नहीं किया है, रिस्क लेने की स्थिति में दोनों ही महिला पहलवान अभी नहीं, और धीरे धीरे समय बीतता हुआ। याद रखिए रेड कॉर्नर में हरियाणा हैमर्स की टीम है और बेंगलुरु योद्धास की या ब्लू कॉर्नर में, एक बार वोट को रोका अब फिर आरंभ करती हुई जो रेफरी है इस मुकाबले के लिए जोंग डाउन, कहीं ना कहीं अब भी ऐसा लग रहा है बहुत कड़ी टक्कर है, हामते हुए वक्त निकल रहा है। पैसिविटी की याद रखिए, 2 मिनट के बाद दूसरे रेसलर को एक अंक मिल सकता है और शायद वो ही बताए यहाँ पे रेफरी ने। जी हाँ, पैसिविटी की वजह से जरूर आप एक अंक हार सकते हैं और दोनों ही रेसलर्स इस बात से पूरी तरह से वाकिफ भी हैं। कोशिश की जा रही है लेकिन फिलहाल किसी ने भी खाता नहीं खोला है और हम 2 मिनट के मार्क तक पहुंचने वाले हैं। और जब वॉर्न किया उसके बाद 30 सेकंड और, तो कहीं ना कहीं वो समय निकलता हुआ, और जी हाँ यहाँ पे अब एक अंक मिलता हुआ और यहाँ पर फायदा हुआ। देखिए ये कैरी पट पकड़ी थी यहाँ पर, हालांकि बचाया अपने आप को टांग मारने की कोशिश, एक अंक गीतिका झाखड़ के खाते में, क्योंकि जो एक्टिविटी टाइम था पैसिविटी टाइम जो था उसके अंदर पॉइंट स्कोर नहीं कर पाई नवजोत कौर, और इस समय पलना भारी गीतिका झाखड़ का। यार वही वॉर्न किया था, अगर आप देखें पहले वॉर्न किया था यहाँ पे रेफरी ने और जो तो उसका फायदा नहीं उठा पाई, लाभ नहीं उठा पाई, कड़ी टक्कर है, अब ज्यादा समय नहीं इस पहले राउंड में। जी हाँ, गीतिका झाखड़ के पास एक्सपीरियंस है, नवजोत कौर के पास भी है, लेकिन फिर से वार्निंग एक देते हुए रेफरी गीतिका को। जगदीश क्या लगता है क्या अलग करना होगा यहाँ पे नवजोत को? देखिए नवजोत ने यहाँ पे कोशिश करी, हालांकि नवजोत को यहाँ पर जोखिम उठाना होगा क्योंकि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और यहाँ पर हाथों की मजबूत पकड़ बनाए हुए गीतिका झाखड़, हालांकि प्रेशर इस समय बिल्डअप होता हुआ नवजोत पर क्योंकि वो पिछड़ रही हैं। जब एक खिलाड़ी पिछड़ रहा होता है तो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर रहता है और स्वाभाविक है कई बार वो गलती भी कर बैठता है, और ये समझना होगा नवजोत को कि जो बढ़त है बहुत ज्यादा नहीं है, तो कहना कि वापसी वो कर सकती है, 1-0 की उनको खाली अभी वो पीछे है, और यहाँ पे अभी जो पहला राउंड समाप्त होता हुआ, फिलहाल लेते हैं ब्रेक और वापस आएंगे बहुत जल्दी। आज का चौथा बाउट और कड़ी टक्कर यहाँ पे चलती हुई गीतिका झाखड़ नवजोत कौर के बीच में, मात्र 1-0 से आगे फिलहाल गीतिका झाखड़, और ये अब दूसरा राउंड आरंभ होता हुआ, देखिए क्या तमाम यहाँ पे दर्शक आए हुए हैं, क्या वातावरण है,
जबरदस्त माहौल और कहने के अब दूसरा राउंड आरंभ होता हुआ। जी हाँ, पहले राउंड में खासी मशक्कत करने के बाद ही गीतिका झाकड़ को वो एक पॉइंट मिला था जिससे हरियाणा की टीम आगे बढ़ी है, लेकिन राउंड टू में हमने अक्सर देखा है जगदीश की बहुत जोश भर कर लाते हैं रेसलर्स। बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि रेस्ट पीरियड था और रेस्ट पीरियड में रिफ्रेश हो जाते हैं, वापस एनर्जी जो है वापस से उनके पास आ जाती है और यहाँ पर इस समय नवजोत कौर को रिस्क लेना होगा, करो या मरो की स्थिति है। हालांकि अटैक किया था पर कोई सफलता नहीं और समय धीरे धीरे बीतता हुआ। दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, भांप रहे हैं और ऐसा लग रहा है यार जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते और वही उनके कोच ही बताते हो जगदीश। और यहाँ पर पैसिविटी टाइम दिया गया है, इस समय फायदा हो सकता है नवजोत कौर को, 30 सेकंड का एक्टिविटी टाइम। यहाँ पर रिस्क लेना होगा इस समय गीतिका को, नहीं तो अंक गवा बैठेंगे। जी हाँ, ये पैसिविटी टाइम की बदौलत ही उन्हें पहले राउंड में एक अंक मिल गया था, लेकिन फिलहाल प्रेशर उन पर पूरी तरह से है कि क्या वो इस बार फायदा उठा पाएंगी या नहीं उठा पाएंगी। देखिए अब इस राउंड में भी ज्यादा समय नहीं है, लगभग अब 2 मिनट से भी कम और जो करना होगा जल्दी करना होगा गीतिका को, और वो जानती है कि यहाँ पे अगर वो जीत जाती है तो 3-1 की बढ़त मिल जाएगी हरियाणा एमएस की टीम को। आरंभ करते हुए अब कुछ क्षणों के लिए रोका और यहाँ पर दोनों ही महिला पहलवानों का एक एक अंक, यहाँ फायदा हुआ नवजोत कौर को। अजय, ऐसा लगता है कि ये रेसलर्स, खासकर जब दो भारतीय रेसलर आमने सामने हैं, एक साथ खूब प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे के दाव पेच को अच्छी तरह से जानते हैं, तभी थोड़ी सी मुश्किलों का सामने करना पड़ता है उन्हें कोई भी पॉइंट स्कोर करने के टाइम पे। जी बिल्कुल सही कहा प्रीति, और कहना कि लगता है जो स्वॉट एनालिसिस है, आपकी क्या ताकत है क्या कमजोरी है उसका जरूर आप पहले भांपते हैं देखते हैं। और दोनों ही अगर आप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स में 2014 में एक को सिल्वर मिला, गीतिका को सिल्वर मिला और नवजोत को ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो दोनों अनुभवी भी हैं और जानती हैं एक दूसरे की ताकत और कमजोरी। यहाँ पे अब लड़ाई आ गई है दमखम की, दोनों ही महिला पहलवानों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इस समय दमखम जिताएगा। लेकिन फिलहाल स्कोर 1-1 की बराबरी पर और आखिरी मिनट इस राउंड का शुरू हो चुका है और यहाँ पर अब पैसिविटी टाइम शुरू हुआ गीतिका जाखड़ के लिए, फेवर की बात क्योंकि नवजोत कौर को अब अंक बटोरने होंगे, अगर वो अंक नहीं ले पाती हैं तो एक पॉइंट मिलेगा गीतिका जाखड़ को और ये कुश्ती अब गीतिका जाखड़ के फेवर में जाती हुई। देखिए हमेशा कहा जाता है जीतने वाले अलग चीजें नहीं करते, वो चीजों को अलग तरह से करते हैं और कुछ अलग करना होगा क्योंकि अभी जो स्कोर लाइन है बिल्कुल बराबरी पे, यहाँ पे सिंगल लेग टैकल का प्रयोग करते हैं और थोड़ी समस्या में यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद निर्णय होगा इस मुकाबले का। जगदीश, और यहाँ पर रेफरी ने 2 अंक दिए, हालांकि कोशिश अच्छी थी नवजोत कौर की और पैसिविटी जोन पर चले गए थे और यहाँ पर 2 अंक दिखाए थे रेफरी ने और यहाँ पर 2 अंक मिले। मुझे यहाँ पे नवजोत कौर के हौसले की दाग देनी होगी, उन्होंने हिम्मत दिखाई और उसका फायदा मिला, हालांकि अभी भी समय बाकी और प्रीति ये निर्णायक हो सकते हैं क्योंकि अब ज्यादा समय शेष नहीं। जी नहीं, और बेंगलुरु ने 3 अंक की बढ़त ले ली है, हालांकि हरियाणा के पास 1 अंक है अभी, लेकिन नवजोत कौर ने उस आखिरी दाव में काफी अच्छा पॉइंट स्कोर किया और अब फिर से कोशिश करते हुए कि अपनी बढ़त को और पुख्ता करें। और याद रखिए अगर बेंगलुरु ये मुकाबला जीत जाती है तो स्कोर लाइन 2-2 की रहेगी, तो क्या कांटे की टक्कर पर यहाँ पे बराबरी 2 अंक और मिलते हुए गीतिका जाखड़ को। और यहाँ पर दोनों ही महिला पहलवानों के 3-3 अंक और यहाँ पर जीत गई गीतिका जाखड़, देखिए लास्ट पॉइंट स्कोर के आधार पर जीती, यहाँ पर शानदार प्रदर्शन और अंत में कहते हैं बाजी मार दी और इसके कारण अब 3-1 से हरियाणा हैमर्स आगे, तो बिल्कुल निर्णायक पलों पे क्षणों पे ये 2 अंक बहुत अहम रहे।